हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं कक्षा 7 के विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। और वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं और आप तक सारी वीडियो सारी क्लासेज अवेलेबल हैं। हमारे चैनल पर आपकी सारी क्लासेज अवेलेबल हैं, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। और शुरू करते हैं आज के साइंस की वर्कशीट। हमारे चारों ओर गतिशील वस्तुएं, गतिशील का मतलब होता है जिनमें गति हो, जो चलती रहती हो, तो उस तरह की हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तु। यहाँ कह रहा है कि अपने चारों ओर दिखने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। यहाँ आपको एक सूची बनानी है कि चारों ओर आपकी कौन कौन सी वस्तुएं दिखती हैं। तो पेड़, पतंग, गाड़ी दिखती है ना, उसके बाद चिड़िया, उसके बाद घर, टेबल, कुर्सी, कार, बाइक, सड़क, मोबाइल और टीवी। ये सभी वस्तुएं हमारे चारों ओर दिख जाती हैं। अब कह रहा है कि इनमें से कौन गतिशील है और कौन विराम में है। यहां देखिए कह रहा है कि कौन गतिशील है और कौन विराम में है। तो पेड़ विराम में है, टीवी विराम में है और टेबल भी विराम में है, सड़क विराम में है, ये सभी नहीं चल रही हैं। और क्या हमने लिखा था उसको देखिए, कुर्सी, चाहे घर लिख दीजिए, घर विराम में है। और चलने वाली कौन कौन सी वस्तुएं गतिशील है, तो पतंग गतिशील है, चिड़िया ये गतिशील है, गाड़ी गतिशील है, उसके बाद है कार और बाइक। कार गतिशील है और बाइक भी गतिशील है। तो इस तरह से हमने दो तरह की वस्तुओं की सूची बनाई, एक विराम में वस्तु और दूसरी गतिशील वस्तु। अब आपने यह कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गति में है या विराम में है? तो हम जब देखते हैं कि एक समय पर वस्तु यहाँ है और कुछ देर बाद वही वस्तु जब यहाँ दिखने लगती है तो इसका मतलब कि वस्तु में गति है। तो यहाँ भी कह रहा है कि आपने यह देखा होगा कि पतंग कुछ समय बाद पहले वाले स्थान पर दिखाई नहीं देती जबकि पेड़ उसी स्थान पर है। तो हमने समझ लिया कि पतंग जो है वह गतिशील है और पेड़ अस्थाई है। इस आधार पर आपने यह सुनिश्चित किया होगा कि कोई वस्तु विराम में है या गति में है। तो हम इसी तरह से वस्तु की गति देखकर और उसके स्थान परिवर्तन को देखकर यह समझ जाते हैं कि वस्तु गति में है अथवा विराम में है। तो हमें आज यही समझना था कि गतिशील क्या होता है, विराम क्या होता है। और इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कम्प्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।